Hey guys, welcome or welcome back to my channel. My name is Vidya and I create videos about lifestyle, fashion, beauty and travel vlogs. अगर आपने मेरे पुराने वाले videos नहीं देखे हैं then go check and watch all of the videos. And अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो do like, share and subscribe to my YouTube channel. First of all, happy new year to each and every one of you. I hope आपने ये जो भी holiday season है वो अच्छे से enjoy किया होगा and had a wonderful new year celebration. And I wish you all the success, happiness in this year. On that note, so आज का जो video है this is about my 2022 favorites. तो ये video जो है वो multiple categories में होने वाला है, जैसे beauty, skin care, hair care and jewelry. जो products मैंने बहुत use किए हैं 2022 में, जो मेरे absolute favorite है, ऐसे वाले प्रोडक्ट्स मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. सो मेक श्योर यू वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल पे, देन गो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन. तो जब भी मेरा नया वीडियो आएगा आपको सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा. सो लेट्स स्टार्ट. तो फर्स्ट कैटेगरी जो है दैट इज़ बॉडी केयर. सो आई डो नॉट हैव लाइक लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि मैंने ये वाले कैटेगरी में ही है, बट दो ही प्रोडक्ट्स है जो मुझे थोड़े अच्छे लगे एंड मैंने बहुत यूज़ किया है. सो फर्स्ट है ये वाला ट्री हट का बॉडी स्क्रब. ये एक बॉडी स्क्रब है एंड दिस इज़ माय सेकंड बॉटल. इसके पहले मैंने अलग फ्लेवर वाला भी यूज़ किया था विच इज़ रियली नाइस बॉडी एक्सफोलिएटर. सो ये वाला मैं वीकली मे बी वंस और ट्वाइस यूज़ करती हूँ एंड अगर आप शेव वगैरह करते हो तो ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये जो इनग्रोन हेयर है वो रिमूव करता है. सो बहुत अच्छा बॉडी स्क्रब है एंड इसका स्मेल भी बहुत अच्छा है. सेकेंड प्रोडक्ट विच आई हैव इज़ दिस बॉडी वॉश. तो दिस इज़ बाय मेथड बॉडी. तो ये इतनी बड़ी सी बॉटल कुछ $12 की ऐसे कुछ थी एंड इनिशियली आई वॉज हेजिटेंट क्योंकि मैं दूसरा वाला बॉडी वॉश यूज़ करती हूँ वो अवेलेबल नहीं था तो मैंने ये वाला बॉटल लिया था. बट टू माई सरप्राइज ये बहुत अच्छा बॉडी वॉश है एंड बहुत मॉइस्चराइजिंग है. मतलब बाथ करने के बाद वो ड्राई आउट नहीं करता, जैसे वाइट थोड़ा ये आता है ना ड्राइनेस की वजह से, वैसे कुछ भी नहीं आता. एंड अगेन दिस इज़ लाइक प्लांट बेस्ड क्लिनजर तो वो भी अच्छा है एंड इसका भी स्मेल बहुत अच्छा है. तो अब जब भी नहा के आओगे तो बहुत अच्छा स्मेल आएगा. सो दीज आर माई एब्सोल्यूट फेवरेट एंड आई विल कीप बाइंग दिस प्रोडक्ट इन टू 2023. नेक्स्ट कैटेगरी है हेयर केयर. तो इसमें फर्स्ट आई विल स्टार्ट विथ शैम्पू एंड कंडीशनर. सो ये है प्योर नेचर अर्गन ऑयल शैम्पू एंड रिपेयरिंग कंडीशनर. सो ये वाले शैम्पू एंड कंडीशनर मैं आई थिंक 4 or 5 months से यूज़ कर रही हूँ जो कि बहुत अच्छा है मेरे बालों के लिए बिकॉज माई हेयर इज़ रियली रियली ड्राई एंड फ्रिजी भी है. सो ये अर्गन ऑयल वाला शैम्पू बहुत ही अच्छा है मेरे बालों के लिए. सो आई एब्सोल्युटली लव. इससे बाल धोने के बाद बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं, बहुत टाइम से जाता है. ये 4-5 months से मैं यूज़ कर रही हूँ. तो बॉटल्स भी बड़े हैं एंड आई थिंक प्राइस वॉज समथिंग अराउंड $30. सो इतना भी महंगा नहीं है. सो रियली नाइस प्रोडक्ट. नेक्स्ट है दिस सीरम. तो ये है जॉन फ्रीडा का फ्रीज इज सीरम. सो एज आई सेड माई हेयर इज़ रियली ड्राई एंड थोड़े स्प्लिट एंड्स है एंड फ्रिजी भी है. सो नहाने के बाद मेरे बाल ऐसे थोड़े फुल जाते हैं. सो टू कंट्रोल दैट फ्रिज आई यूज़ दिस सीरम. तो इससे बाल थोड़े से ऐसे नॉर्मल लगते हैं. तो आई यूज़ इट अ लिटल क्वान्टिटी एंड उससे बस थोड़ा इससे बालों को मिक्स करती हूँ एंड बहुत ही अच्छा लगता है ये वाला प्रोडक्ट मुझे. आई विल मेंशन ऑल द प्रोडक्ट्स इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. सो मेक श्योर यू आर चेकिंग आउट दैट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो. इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है या टूल है वो है ये ब्रश. सो लेट मी शो यू द स्कैल्प एक्सफोलिएटिंग ब्रश. सो इससे ये ऐसे ऐसे करके व्हेनेवर यू अप्लाई शैम्पू के उसके बाद
ये वाले ब्रश से उसको हल्का हल्का मसाज करके स्कैल्प को एक्सफोलिएट करना होता है, एंड दिस इज़ रियली नाइस। ये वाला जब से मैं यूज़ कर रही हूँ, मेरे बाल बहुत अच्छे से क्लींस होते हैं, एंड जो भी एक्स्ट्रा बिल्डअप होता है अपने स्कैल्प पे वो सब निकल जाता है। सो इट्स रियली नाइस, आपको अमेजोन वगैरह पे आराम से मिल जाएगा। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज़ ब्यूटी एंड मेकअप फेवरेट्स। फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो है ये ब्रश। सो दिस इज़ बाई रियल टेक्निक, एंड ये थोड़े अभी गंदे हैं क्योंकि मैंने इसको यूज़ किया है, बट इसके साथ और दो ब्रश भी है बट अभी मुझे वो नहीं मिल रहे थे। सो ये रियल टेक्निक का जो सेट है, दिस इज़ रियली नाइस। इसमें आपको पाउडर या ऐसे ब्लश के लिए ये ब्रश है, एंड दिस इज़ लाइक अ फाउंडेशन या कॉन्टोर आपको जो भी ब्लेंड करना है इसके लिए, एंड ये वाला ब्रश बहुत ही अच्छा है। पहले आई वॉज़ वेरी हेसिटेंट टू यूज़ ब्रश फॉर फाउंडेशन बिकॉज आई रियली लाइक ब्यूटी ब्लेंडर का फिनिश, बट ये वाला ब्रश बहुत ही सही है। इससे बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होता है प्रोडक्ट, एंड बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट इसमें सोक नहीं होता, विच इज़ गुड। सो या दिस इज़ लाइक वन ऑफ माई फेवरेट परचेज। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रोडक्ट, सो दिस इज़ कॉन्टोर स्टिक बाई वेट एंड वाइल्ड, एंड लेट मी शो यू। जो शेड है वो बहुत ही सही है, जैसे स्पेशली फॉर ब्राउन स्किन, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑरेंजिश अगर होता है तो वो अच्छा नहीं दिखता है कॉन्टोर, तो ये वाला परफेक्ट शेड है कॉन्टोर के लिए, एंड बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है। मतलब ऐसे हार्श लाइन वगैरह नहीं दिखती है इसके। सो आई रियली लाइक दिस कॉन्टोर। अब क्योंकि मैंने ऐसे रिसेंटली चालू किया है कॉन्टोर करना, तो ये प्रोडक्ट की वजह से मुझे थोड़ा ईजी पड़ा है। नेक्स्ट इज़ दिस काजल, ब्लू काजल बाय फेसेस कैनेडा। सो इसका कलर ऐसा थोड़ा ब्लू है, एकदम इंक ब्लू भी नहीं है बट हल्का उसमें ब्लू पिगमेंट है, तो स्पेशली जब हम वाटर लाइन को काजल लगाते हैं तो ये बहुत अच्छा दिखता है, स्पेशली फॉर ब्राउन स्किन। ब्लू कलर थोड़ा ज़्यादा पॉपअप होता है अपने कॉम्प्लेक्शन पे, तो बहुत ही अच्छा दिखता है। सो इंस्टेड ऑफ लाइक अ ब्लैक काजल आई यूज़ दिस समटाइम्स, तो वो थोड़ा अलग का पॉप ऑफ कलर देता है, एंड एकदम ज़्यादा जेड ब्लैक बोल्ड ऐसे नहीं दिखते हैं आईज। सो आई लाइक दैट। अभी भी मैं ये वाला ही काजल लगाया है, सो यू कैन सी कि थोड़ा नेचुरल बट अच्छा लुक आता है इससे। सो या आई यूज़ दिस प्रोडक्ट अलॉट। नेक्स्ट है ये वाला पफ या ये वाला स्पंज। सो ये वाला आप अमेजोन से वगैरह ले सकते हो। दिस इज़ मेनली टू सेट अवर अंडर आइज, तो ये जो भी हम लूज़ पाउडर है उसको ऐसे लेके ऐसे ऐसे डैप करके अगर सेट करते हैं तो बहुत अच्छे से सेट होते हैं अंडर आइज। सो दिस इज़ रियली नाइस प्रोडक्ट। ब्रश से थोड़ा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है बट इससे बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन होता है पाउडर का, लूज पाउडर का। मैंने सेट लिया था अमेजोन से ही, ये भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, तो यू कैन चेक दैट आउट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज़ स्किन केयर, विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कैटेगरी एंड मेरी ये 2020 के फेवरेट्स। सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विथ क्लिंजर। सो डोंट जज मी बट ये इंकेलिस्ट का ओट क्लिंजिंग बाम है, ये मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, बस इतना सा प्रोडक्ट बाकी है, बट मैंने इसको बिल्कुल काट के मैं एंड एंड तक उसका यूज़ करूँगी। यू कैन सी इसकी बॉटल के हालत से कि मुझे कितना पसंद है ये वाला प्रोडक्ट, तो मैंने यहाँ तक यूज़ किया है। आई नीड टू बाई न्यू ट्यूब बट तब तक मैं ये यूज़ कर रही हूँ। सो दिस इज़ वेरी मॉइस्चराइजिंग, एंड जो कितना भी मेकअप किया होगा आपने वो ईजीली मेल्ट होता है, एंड बहुत इसमें ऑयल जैसा कुछ कंटेंट है, आई डोंट नो इफ दैट इज़ ऑयल सीरम है, जो भी है दैट इज़ वेरी मॉइस्चराइजिंग। वॉश करने के बाद बहुत ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट होती है स्किन, सो आई रियली लाइक दिस प्रोडक्ट। इसके बाद मैं लाइक हाइड्रेटिंग क्लिंजर दूसरा भी यूज़ करती हूँ बट ये मोस्ट ऑफ द जो भी मेकअप होता है वो सब रिमूव करता है। देन द नेक्स्ट प्रोडक्ट आई हैव इज़ नायसिनमाइड, सो दिस इज़ बाई ऑर्डिनरी। सो आई थिंक दिस इज़ माई सेकेंड और थर्ड बॉटल। सो ये वाला जैसे मैंने पहले स्किन केयर जो वीडियोस बनाया था उसमें भी मैंने दिखाया था ये वाला प्रोडक्ट, तो ये वाला मैं मोस्टली नाइट टाइम में यूज़ करती हूँ, एंड अगर जैसे ये वाला ऑर्डिनरी का है
विच इज़ वेरी अफोर्डेबल बट बहुत अच्छा भी है एंड इसके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ ओपन पोर्स. तो ये वाला प्रोडक्ट यूज़ करने से उसको पोर्स भी थोड़ा मिनिमाइज होते हैं. सो दैट्स वाई आई यूज़ दिस प्रोडक्ट इन नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन. नेक्स्ट आई हैव इज़ दिस विटामिन सी सीरम. दिस बाय गुडाल. सो ये कोरियन ब्रांड है. सो ये वाला मैंने यस स्टाइल से यूज़ किया था. तो यस स्टाइल एक कोरियन स्किन केयर या कपड़े वगैरह की ऐसी साइट है एंड आई हैव ऑर्डर लाइक लॉट ऑफ के ब्यूटी प्रोडक्ट्स फ्रॉम दैट साइट. तो मैं उसका भी लिंक नीचे डाल रही हूँ. सो गो चेक एंड यू कैन ऑर्डर. वहाँ पे के ब्यूटी प्रोडक्ट्स सस्ते में मिल जाते हैं एंड रियली इफेक्टिव है. तो ये वाला मैंने वहाँ से लिया था. दिस इज़ ग्रीन टैंजरीन वाइटामिन सी सीरम. सो ये वाला भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने आया है. नीड टू ऑर्डर न्यू वन. दिस वन आई यूज़ एवरी डे इन अ मॉर्निंग टाइम. जब भी फेस वॉश करने के बाद हाइड्रेटिंग सीरम लगाने के बाद आई यूज़ दिस वाइटामिन सी सीरम विच इज़ रियली नाइस एंड आई कैन सी जो भी मेरे थोड़े डार्क स्पॉट्स वगैरह है वो भी थोड़े फेड हो रहे इससे. सो या दिस इज़ रियली नाइस प्रोडक्ट. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सो दिस इज़ लाइक सिरावी मॉइस्चराइजिंग लोशन. माई होली ग्रेल प्रोडक्ट बिकॉज आई यूज़ दिस अलॉट. क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा ऑयली ऑयली नहीं दिखता है मॉइस्चराइजिंग के लिए. सो मैं लाइक मॉर्निंग इवनिंग हर टाइम पे ये वाला मॉइस्चराइजिंग यूज़ करती हूँ. एंड ये इतना बड़ा पैकेट है जो कि $15 के आसपास आता है. सो विच इज़ रियली अफोर्डेबल. एंड सॉरी दैट वॉज नॉट द लास्ट प्रोडक्ट इन स्किन केयर कैटेगरी. सो दिस इज़ माई एब्सोल्यूट फेवरेट. लाइक आई थिंक दिस विल बी माई फेवरेट इन ऑल ईयर्स बिकॉज दिस इज़ लाइक क्लासिक वैसलीन. तो आई यूज़ दैट एज अ लिप बाम या अगर रात को मुझे लगता है कि थोड़े अंडर आइज़ के यहाँ पे ड्राइनेस है तो आई यूज़ दैट. या कहीं पे भी थोड़ा ड्राई वाला एरिया ज़्यादा लग रहा है वहाँ पे भी मैं वैसलीन यूज़ करती हूँ. एंड एज़ यू कैन सी ये भी हाफ से ज़्यादा ख़त्म हो गया है. सो दिस विल बी माई फॉर एवर फेवरेट. सो द नेक्स्ट कैटेगरी इज़ ज्वेलरी. इट्स मोस्टली लाइक इयर रिंग्स बट या आई जस्ट हैव वन नेकलेस तो मैं वो भी दिखाती हूँ. सो द फर्स्ट इयर रिंग विच आई हैव इज़ दिस स्क्वेयर हूप्स. सो ये वाले एक्चुअली मेरे एनिवर्सरी के टाइम पे मुझे गिफ्ट मिला है. अक्षय ने मुझे गिफ्ट किए हैं ये वाले इयर रिंग्स. ऑब्वियसली मैंने ही सिलेक्ट किए थे एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद इट. आई लाइक द स्क्वायर शेप एंड इसका लॉक है सो विच इज़ वेरी इजी. सो ये है ब्रांड से. इसका कुछ 2 साल का लाइक वारंटी पीरियड भी है विच इज़ वेरी गुड. द वन विच आई एम वेयरिंग ये वाले रिंग्स ऐसे एंड दिस वन जिसमें थोड़े पर्ल्स लगे हुए हैं ये मुझे बहुत ही पसंद है. ये एवरीडे मैं यूज़ करती हूँ या कहीं पे बाहर जाना हो तो मैं इंटरचेंजेबली यूज़ करती हूँ. एंड ये वाला मैंने सेट लिया था मिंत्रा से. तो उसमें 5 और 6 ऐसे पेयर्स आए थे एंड 500-600 का था. सो विच वॉज रियली नाइस एंड इसके क्वालिटी भी बहुत अच्छी है. ये वाला मैंने टारगेट से लिया था. इसके साथ और एक दो भी सेट है बट दिस इज़ माई रियली फेवरेट. तो कहीं पे भी बाहर जाना है थोड़े अच्छे जगह पे तब मैं ये वाला इयर रिंग्स पहनती हूँ. एंड नेक्स्ट इज़ दिस चेन नेकलेस. मेरे फोटोज़ अगर इंस्टाग्राम पे देखे हो गए तो मैंने बहुत से जगह पे ये वाला पहना है. सो दिस इज़ माई रियली लाइक फेवरेट परचेस इन 2022 एंड मैंने बहुत यूज़ किया है इसको. ये कहीं पे भी मतलब कोई भी इस पे थोड़ा चंकी ऐसे लुक देता है तो बहुत अच्छे से जाता है एंड आई लाइक दैट अलॉट. दैट्स ऑल फॉर टुडे. जो भी चीज़ है मुझे लगा कि मेरे एब्सोल्यूट फेवरेट है मेरे होली ग्रिल प्रोडक्ट्स जो कि मैं बहुत यूज़ मैंने किया है एंड मैं फिर से बाय भी करूँगी ऐसे वाले प्रोडक्ट्स ये मैंने आज के ये वाले वीडियो में शेयर किए हैं. सो लेट मी नो आपको ये वाला वीडियोस कैसा लगा एंड डू यू ऑल्सो हैव एनी ऑफ दिस प्रोडक्ट एज़ योर फेवरेट तो वो भी मुझे कॉमेंट में बताना. एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीक. बाय.